डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हम 10th बायोलॉजी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। 2019-20 लेटेस्ट स्कीम है। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 से लेके 18 तक होंगे। इनको चैप्टर वाइज देखें तो चैप्टर नंबर 10 से 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 11 से 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 12 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 13 से 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 6 का ए पार्ट बनेगा। इस तरह चैप्टर नंबर 14 से और 15 से 2-2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन 6 का बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 16 से, जैसा कि जाहिर हो रहा है स्क्रीन पे, कि चैप्टर नंबर 16 से 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 17 और 18 से 1-1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जबकि चैप्टर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 7 का बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 17 से आएगा। आप इनको पेपर के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस का होगा और ये 12 मार्क्स का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, ये चैप्टर नंबर 10, 11, 12 से आएगा। 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 13, 14, 15 से आएगा, ये भी 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16, 17, 18 से आएगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन 3 में से 2 लिखने होंगे। ए वाला पार्ट 4 मार्क्स का और बी वाला पार्ट 5 मार्क्स का होगा और टोटल 18 मार्क्स बनेंगे इसके। लास्ट पे हम समराइज़ करते हैं इसको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स का, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मिला के 30 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स के होंगे और टोटल ये पेपर 60 मार्क्स का होगा।